मेरा 5 बजे का टाइम था जब 5 बजे फोन आया था मेरे पास। उन्होंने बोला अकेला आ जा, कुछ काम है। फिर मैंने बोला ठीक है, आ जाऊंगा दिन में। उन्होंने बोला किस टाइम में? 10:30 बज जाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है। फिर 5 मिनट बाद फिर फोन आया। उन्होंने बोला के काम कर तू, अकेला इब्बा आ जा। फिर मैं 8:30-9 बजे घर तक चला। फिर रास्ते में फोन आया रानी का। उन्होंने बोला अक नीलम ने ऐसे ऐसे फांसी खा ली, तो आंटी ने लेके भी आ जाइए साथ में। इसने नू नहीं बताया, मतलब फांसी खा ली हो, यो काम हो गया। सुंदर का फोन आया था, सुरेंद्र का। फिर उसका बाद में घर आए बाद में बेरा पट्टा की हाँ फांसी खा ली। आज सुबह से 2-3 बार मेरी बात हुई, जब भी नू ना बताया कि यो काम हो गया। क्या 3 साल पहले यही पे भिवानी में सुरेंद्र। तो क्या लगता है मारा गया? हाँ, वो पूरी बॉडी पर भी निशान है। तो दोपहर में मेरी बात भी हुई थी, मतलब सोमवार को घर आना है। फिर रात रात में वो हो गया। तो क्या लगता है किसने मारा? वो सारा सुरेंद्र का काम है, पहले भी ना बना कर तीन किए। रूस रूस दूसरे दिन घर ना चल जाया करता, एक एक हफ्ते में नहीं आया करता। वो करता बाइक कटवाओ जब रहूँगा। फिर बाइक कटवाई, फिर दोबारा आया घर ने। फिर वो प्लाट के जिद्दी लगाने लगा। उन्होंने प्लाट नाम करवा मेरे। फिर वो प्लाट ना प्लाट तो मेरे नाम रहूँगा। फिर उन्होंने लाख बालक देख के पसंद ना था, वो दोनों बालक भी भिजवा दिए आपका घर पर। इब नू रखा करता बड़ा रोड़ा है ना, ठुकरानी की वजह है। एक ठुकरानी है गुड्डी नाम की, उनका घर दो रहा सारा रोड़ा उसका वजह है। यो सारा विघन की खाट से ना ठुकरानी से। और हम इतनी दूर तो इसने बुला लिए, जिसका माँ बाप क्यों नहीं बुलाया? भिवानी की भिवानी में रहो है, इसके माँ बाप भी नहीं आए। इसके माँ बाप आना भी हाजिर करो, इसका माँ बाप भी आना चाहिए। क्या नाम था आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम जरीना है। कब हुई थी शादी? किसके साथ? शादी ने 3 साल हो गया जी, शादी हुई ने। शादी होने के बाद में न्यू रखा करता, और शादी भी उसने ठुकरानी ने करवाई थी। हाँ, और ये सारा रोड़ा है ना जी, उस ठुकरानी की वजह है सारा विघन उसका घर तक चल रहा है। उसने सामने भी उनकी लड़ाई हुई है, जब भी उसका ठुकरानी के साथ छोरी की रूह की आपस में लड़ाई हुई है, जब उसने इस छोरी की मारी से जी भी हमारे की टांगी से। इसने वो सारा बैगन है ना उस ठुकरानी की वजह से सर। अब बात को लेकर झगड़ाई हुई या पसरी में यो है ना, कई दिन है ना 6-7 साल वो ठुकरानी के पास रहा था, ठुकरानी के घर में रहा था यो, और उसी के पास रहा करता। फिर इन आपसरी में बोल बतड़ा कि ठुकरानी ने इसकी मेरी लड़की की शादी करवाई थी। अजब उस जगह मैं कपूरी से हूँ जी, हाँ कपूरी गांव ये दादरी के पास, मैं उसकी माँ हूँ, लड़की की माँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम उन्नी है जी। ऐसे जी ये जरीना जरीना डॉक्टर रामेर लोहार आर ओ कपूरी की लड़की थी। इसने पहले शादी की थी यहीं भिवानी, और फिर बाद में इसने 3 साल पहले यहाँ पर अपने सुरेंद्र सिंह हनीफ लोहार है भिवानी का बैंक कॉलोनी का, उसके साथ इसने कोर्ट मैरिज की थी। 3 साल हो गए इसकी शादी में। इसकी उम्र मृतक जरीना की उम्र थी करीब 27 वर्ष बताया। तो इसने अपने पति से तंग आकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी बयान हुई है। इसकी माँ के बयानों पर पुलिस कार्रवाई की जा रही है, और इसके परिजन भी साथ हैं। इसने अपने जो इसके साथ शादी करी है ना सुरेंद्र, एक आदमी के खिलाफ बयान दिया है। ये दोनों ही अपने मकान में अकेले रहते थे, दोनों धनी भी रहते थे, और इनके पास कोई बच्चा नहीं था। पहले जो इन्हें शादी करी थी उसके 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 नाम के 2 बच्चे हैं, वो उसी के पास हैं।